सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में आज 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी सहित अनेक राज्यों से श्रद्धालुओं ने शिरकत की। आज के कार्यक्रम में बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत ने भी शिरकत की। आज के कार्यक्रम में बाबा राम रहीम द्वारा जारी की गई 15वीं चिट्ठी भी पढ़ी गई, जिसमें मानवता भलाई का संदेश दिया गया। आज मानवता भलाई का एक नया कार्य उत्तम संस्कार सिरसा डेरा सच्चा सौदा द्वारा जोड़ा गया, जिसमें अपने बच्चों को मानवता भलाई एवं मानवता के प्रति प्रेरित करना है। पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि डेरा बाबा राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेरा सच्चा सौदा की ओर से देखिए, आज डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस जो सात संगत यहाँ मना रही है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 29 अप्रैल सन 1948 को साईं श्याम मस्ताना जी महाराज जी ने की थी। डेरा सच्चा सौदा का जो बीज साईं श्याम मस्ताना जी महाराज जी द्वारा 1948 में लगाया गया था, परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी ने उस बीज को सींच कर एक पौधे के रूप में खड़ा किया, और आज पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की बदौलत आज डेरा सच्चा सौदा एक वृक्ष का रूप ले चुका है, जो मानवता भलाई के कार्य के रूप में पूरे समाज को, पूरे वर्ल्ड को छाया दे रहा है। तो उसी का आज डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस साध संगत मानवता भलाई के कार्य करके मना रही है, और एक नया कार्य पूज्य गुरु जी द्वारा आज यहाँ शुरू किया करवाया गया है साध संगत से, जिसका नाम है उत्तम संस्कार। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि हर कोई अपने बच्चों को एक हफ्ते में 3 दिन के लिए मानवता भलाई के कार्यों के लिए, परमार्थ के लिए, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। ये पूज्य गुरुजी द्वारा हमेशा से ही मानवता भलाई के लिए संदेश दिए गए हैं, और आज भी उस चिट्ठी के माध्यम से पूज्य गुरुजी ने साध संगत को ये संदेश दिया है कि आपने एकता में रहते हुए मानवता भलाई के कार्यों को करते रहना है, और इसको आगे बढ़ाते रहना है, और समाज का भला करते रहना है। कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि बाबा राम रहीम को फिर से पैरोल मिल सकती है। देखिए, वो मात्र अफवाहें थी। अभी पैरोल को लेकर किसी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन पूज्य गुरुजी द्वारा नहीं लगाई गई है। आगे भविष्य में क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, जो कानून के अंतर्गत पूज्य गुरुजी की जो पैरोल बनती है, वो एक साल में 70 दिन की पैरोल बनती है और 28 दिन की फरलो बनती है। उस 70 दिन की पैरोल में से 40 दिन की पैरोल पूज्य गुरुजी ऑलरेडी इस बार ले चुके हैं इस साल में, और पूज्य गुरुजी की जो 30 दिन की पैरोल है और 28 दिन की फरलो अभी बाकी जो बनती है, वो जैसा भी है अभी तक कोई प्रोग्राम उसके लेकर है नहीं।